नमस्कार। राजस्थान में पहले चरण की वोटिंग हुई, वोटिंग परसेंटेज घटा और कांग्रेस में खुशी की लहर छा गई। लेकिन बीजेपी भी अपने दावे पर अड़ी है कि कांग्रेस एक भी सीट नहीं ले जा पाएगी और राजस्थान की 25 की 25 सीटें सिर्फ हमारी हैं। कांग्रेस गलत फहमी ना पालें, ये कहना बीजेपी नेताओं का। राजस्थान में इस बार महज 57.87% वोटिंग हुई है। हालांकि इन सीटों पर 2019 में 63.71% मतदान हुआ था, जो पिछली बार की तुलना में 5.84% कम है। वैसे पिछले चुनावों का ट्रेंड देखें तो वोटिंग घटने के पीछे बीजेपी का ही फायदा नजर आता है, यानी सत्ता पक्ष का। लेकिन सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हैं, राजनीति के जानकार इसके कई तरह के मायने निकालते हैं। आज मैं भी उन संभावित मुद्दों और स्थितियों पर चर्चा करूंगा जिनके चलते राजस्थान में इस बार वोटिंग परसेंटेज घटा है। सबसे पहले नज़र डालते हैं उन 12 लोकसभा सीटों पर जहां मतदान संपन्न हुआ और लगभग सभी सीटों पर मतदान का जो प्रतिशत है वो घट गया। श्रीगंगानगर में 65.64% वोटिंग हुई, जो कि राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा है लेकिन 2019 के मुकाबले घटी है। बीकानेर में 53.96%, चूरू में 62.98%, झुंझुनू में 52.29%, सीकर में 57.28%, जयपुर ग्रामीण में 56.58% और जयपुर शहर में 62.87% वोटिंग हुई। अलवर में 59.79%, भरतपुर में 52.69%, करौली धौलपुर में 49.29%, दौसा में 55.21% और नागौर में 57.01% वोटिंग हुई। अक्सर देखा गया कि जब भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो माना जाता है कि सत्ता के विरोध में वोटिंग की है, और वोटिंग प्रतिशत घटता है तो यही कयास लगाया जाता है कि मतदान सत्ता के पक्ष में हुआ है। यह अब तक के चुनाव में देखने को भी मिला है। इस फॉर्मूले को राजनीति के जानकार मानते हैं, लेकिन इस बार वोटिंग परसेंटेज घटने को कांग्रेस अपने पक्ष में मानकर खुशियां मना रही है, जबकि बीजेपी अपनी जीत के लिए अभी भी आश्वस्त है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज घटने से ऐसा नहीं है कि बीजेपी चिंतित नहीं है। अंदर खाने बहुत सारी चर्चाएं चल रही है, लेकिन वह पिछले ट्रेंड को पकड़कर बैठी है और अपना फायदा मान रही है। राजस्थान में वोटिंग परसेंटेज घटने के बाद सीएम भजनलाल ने भी अपना बयान दिया कि किन्हीं भी कारणों से वोटिंग परसेंटेज घट सकता है, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मोदी की एक तरफा लहर थी, ये मानना है। और पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रभुलाल सैनी का भी यही कहना है, ग्रामीण क्षेत्रों में फसल कटाई, शादियों का सीजन था, इस वजह से भी वोटिंग परसेंटेज कम रहा। लेकिन शहरी क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहा है, जबकि कांग्रेस का मानना है कि मोदी सरकार से निरुत्साहित लोगों ने वोट ही नहीं किया। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव सुशील आसोपा ने कहा है कि इस बार महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से आमजन बुरी तरह से त्रस्त रहा, जिसके चलते लोग वोट देने में उदासीन रहे। वोटिंग परसेंटेज भी घटा। कांग्रेस का मानना है कि 12 लोकसभा सीटों के मतदान में कांग्रेस करीब आधा दर्जन सीटों पर अब अपनी मजबूत स्थिति में है। मतदाताओं ने मोदी सरकार से उदासीन होकर वोट नहीं डाला है। लेकिन 2014 के मुकाबले देखें तो 2019 में वोटिंग बढ़ी थी, जो कि बीजेपी के पक्ष में गई थी। पीएम आवास योजना, 3 तलाक, नोटबंदी का बड़ा कदम सरकार के पक्ष में देखा गया था उस दौरान। इसके अलावा पुलवामा की जो घटना हुई थी उसमें जो रोष उत्पन्न हुआ था लोगों में आतंकवाद के खिलाफ, राष्ट्रवाद की एक अजीब सी लहर चली थी, वो भी बीजेपी के पक्ष में गई। नए राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया, बुलेट ट्रेन लाने के वादे किए गए, इस सब से सरकार के पक्ष में जोरदार उत्साह बना। और इसी दौरान कांग्रेस गठबंधन ने कई मुद्दों पर बीजेपी और सीधे मोदी सरकार पर हमला किया, जिसे लोगों ने राष्ट्र विरोधी मानते हुए बीजेपी के पक्ष में एक मुश्त मतदान किया। और इस दौरान 2014 के मुकाबले जीत का अंतर भी 26% बढ़ गया था। लेकिन 2024 के चुनाव को किसी ट्रेंड पर मानना ठीक नहीं होगा। यह ना तो केवल बीजेपी के लिए बल्कि कांग्रेस या एनडी गठबंधन के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। वोटिंग परसेंटेज घटना कहीं ना कहीं लगता है कि लोगों में कुछ मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष से नाराजगी थी, लेकिन सरकार बदलने के पक्ष में तो अभी भी नहीं है, ऐसा माना जाता है। तो इसी वजह से वोटिंग परसेंटेज घटा है। तो ऐसी कौन सी वजह है लेकिन,
जिसने राजस्थान के पिछले दो लोकसभा चुनावों के मुकाबले इस बार जनता जनार्दन के उत्साह को कम कर दिया। इसके डीपली में जाएंगे तो कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी के खिलाफ खड़ा इंडिया गठबंधन अभी तक लोगों पर भरोसा नहीं पैदा कर पाया, विकल्प के तौर पर खुद को साबित नहीं कर पाया। इंडिया गठबंधन को खड़े करने वाले नेताओं की बातों में, उनके इरादों में कई जगह विरोधाभास देखा गया, आपस में नाराजगी देखी गई। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं जाने की कस्में खाने के बावजूद पलटी मार गए। ममता बनर्जी ने जानबूझकर गठबंधन का नेता खड़गे को चुन लिया। फिर कांग्रेस के दिग्गजों की मौका परस्ती भी एक बड़ी वजह मानी जा सकती है, जो इंडिया गठबंधन खुद को साबित नहीं कर पाया, क्योंकि टूट टूट कर बीजेपी में जा रहे थे कांग्रेसी और अन्य दलों के नेता। दूसरी ओर बीजेपी ने चुनाव तो पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा, लेकिन 2019 के चुनावों के जैसा माहौल नहीं बना पाई। इसके अलावा बीजेपी ने चुनावों से पहले ईडी का बेजा इस्तेमाल किया, इसकी वजह से कई जगह पार्टी की किरकिरी हुई। यह कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ में गया और लोगों की बीजेपी के प्रति विचारधारा या झुकाव कहीं ना कहीं कम हुआ। इसके अलावा बीजेपी के लोग भी मानने लगे हैं कहीं ना कहीं कि कुछ ना कुछ तो अनैतिक हो रहा है। हालांकि कांग्रेस शासित यूपीए सरकार में भी ऐसा हो चुका है, वहां ईडी की जगह सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बीजेपी ने शायद कुछ एक्सेस कर दिया इस बार, ऐसा लोगों को लगने लगा है। क्योंकि कांग्रेस को भ्रष्टाचार के प्रमुख मुद्दे के साथ जनता ने सत्ता से उखाड़ फेंका था और फिर उसके बाद वे बीजेपी ने सरकार बनाई थी, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं बीजेपी में दिखने लगा है। इसके अलावा सबने बड़ी वजह वोटिंग परसेंटेज कम होने की जो मानी जा रही है वो यह है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह इस बार कम देखने को मिला, और इसके कई उदाहरण देखने को मिले हैं। दौसा में डॉक्टर किरोड़ी को कन्हैया लाल के पक्ष में भीड़ जुटाने में पसीने छूट गए थे। बस्सी के खोरी में वो नाराज भी हुए थे इस बात को लेकर। नागौर में पहले ज्योति मिर्दा के पक्ष में माहौल बना था, लेकिन बाद में स्थितियाँ पलट गई। झुंझुनू सीकर के मतदाताओं में भी उत्साह ज़्यादा नज़र नहीं आया। श्रीगंगानगर में प्रियंका बालान के पक्ष में एक तरफा माहौल जरूर देखने को मिला, लेकिन और वहाँ वोटिंग भी 66.25% हुई, जो कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ वोटिंग 2019 के मुकाबले 8.75% पिछड़ गई, कम रह गई। चूरू में राहुल कस्वा वर्सेज राजेंद्र राठौड़ का माहौल बन गया था, हालांकि उनके सामने देवेंद्र झाझड़िया थे, लेकिन उनकी पुरानी अदावतें यहाँ आ गई। यहाँ कांटे की टक्कर दिखी, माना जा रहा है कि कस्वा यहाँ बीजेपी कैंडिडेट पर भारी तो नज़र आए, लेकिन वोटिंग 62.98% हुई, जो कि उम्मीद से कम है। झुंझुनू में भी सुस्त मतदान रहा। अब सवाल यह है कि मोदी शाह जेपी नड्डा के साथ ही यूपी के योगी आदित्यनाथ बीजेपी कार्यकर्ताओं को जगाते रहे यहाँ राजस्थान में आके, फिर भी उत्साह क्यों कम है? उसकी वजह है बीजेपी का कांग्रेसी प्रेम। मैंने कांग्रेस प्रेम नहीं बोला, कांग्रेसी प्रेम बोला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जिस तरह से, जिस जोर शोर से कांग्रेसियों को बीजेपी में भरा है, बीजेपी ज्वाइन कराई है, उससे ज़मीनी कार्यकर्ता नाराज हो गया बीजेपी का। इसके अलावा बीजेपी कैडर में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी अंदरूनी नाराजगी शुरुआत से देखने को मिल रही थी, उसका भी एक असर हो सकता है। कई नेता तो इलेक्शन आते आते बिल्कुल लास्ट में जुड़े, क्योंकि कई बड़े नामों के टिकट काट दिए गए या साइडलाइन कर दिया गया, असक्षम नेताओं को पार्टी ने टिकट दे दिया। कुछ ऐसे उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में उतार दिए गए जो पहले विधानसभा या लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। कुछ ऐसे नेताओं को भी टिकट मिला जिनके अपने ही सर्वे रिपोर्ट खराब, अपने क्षेत्र में सर्वे रिपोर्ट खराब आ रही थी। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनसे पार्टी संगठन में कहीं ना कहीं निराशा का माहौल बना, नाराजगी देखने को मिली। इसके अलावा जाति विशेष में भी नाराजगी मानी जा सकती है। कई और भी छोटे मोटे इश्यूज हैं जिनको देखकर लगता है कि भाजपा वोटर्स को घर से नहीं निकाल पाई। तो अब हमारा मानना है कि किसी भी दल को ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, अभी दूसरा फेज बाकी है, 4 जून का इंतजार करना चाहिए। जिस दिन सारी तस्वीर साफ हो जाएगी कि सत्ता पर काबिज कौन होने वाला, सत्ता का सिरमौर कौन होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, जयपुर से जनता दरबार के लिए विजय वर्मा।